वेरी गुडर सेक्शन सिक्सटीन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी का केस है इससे पहले जो हमने केस किया था दैट इज रघुनाथ रघुनाथ प्रसाद वर्सेस प्रसाद इस केस में हमने देखा था कि सबसे पहली चीज जो आपको प्रूव करनी है इज अ डोमिनेंट डोमिनेंट रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज पार्टीज के बीच में डोमिनेंट रिलेशनशिप होनी चाहिए नंबर टू सेकंड थिंग दैट यू हैव टू प्रूव इज के उस डोमिनेंट रिलेशनशिप या उस डोमिनेंट विल का फायदा उठा करके जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है उसने दूसरी पार्टी को इंड्यूस किया एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अब देखिए अगर आपको इंड्यूसमेंट आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आपने सिंपल जो है टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स प्रूव कर दी दैट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर अनकॉन्सनाइबल यानी कि बहुत ही एक तरफा आपकी टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की तो उससे जो है जो ओनस है वो जो ओनस है वो शिफ्ट हो जाएगा डोमिनेंट पर्सन पे सो अब डोमिनेंट पर्सन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं थी सो ये हमने लास्ट केस में देखा देखिए इस केस में क्या है इस केस में क्वेश्चन है डोमिनेंट रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज का तो पहले मैं आपको इस केस के फैक्ट बता दूं। इस केस में एक इंसान था ए इसके तीन बच्चे थे बी सी एंड डी तो बी और सी जो हैं दोनों बेटे थे डी डॉटर थी और बी का भी एक बेटा था द्रैंडसन सो ए ने बेसिकली और डी ने जो प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी है वो ग्रैंडसन के नाम पर करा दी यानी ए जो दादाजी हैं उसने अपने पोते के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी और डी जो बुआ है उसने अपने भतीजे के नाम पे प्रॉपर्टी अब इस चीज से सी जो है वो बहुत परेशान हो गया सो so सी ने जो है इस केस केस डाला कि के जो ये ट्रांसफर है ये जो गिफ्ट किया है दस दिस गिफ्ट इज नॉट अ वैलिड ट्रांसफर क्यों नहीं है क्योंकि उसने कहा ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस था अनड्यू इन्फ्लुएंस था अंडर सेक्शन 16 और इस इस कॉन्ट्रैक्ट को इस ट्रांसफर को Void कर दिया जाए अब क्वेश्चन ये आया क्या इसमें इन्फ्लुएंस था तो जो जो प्लेंटिफ है यानी सी है उसने बताया कि क्योंकि जो ग्रैंडसन है ग्रैंडसन है वो नियर रिलेशनशिप में है डी के ए और डी के नियर रिलेशनशिप में है तो चूंकि वो एक नियर रिलेशनशिप में है चूंकि वो एक नियर रिलेशनशिप में है तो इससे ये प्रूव होता है कि जो पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप है वो डोमिनेंट रिलेशनशिप है डोमिनेंट रिलेशनशिप का मतलब है कि एक पार्टी इज इन अ सिचुएशन टू डोमिनेट विल ऑफ अदर पर्सन। तो देखिए कोर्ट ने इस केस में कहा कि ऐसा नहीं है कोर्ट ने इस केस में कहा कि ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ पार्टीज अगर नियर ब्लड रिलेशनशिप में है उससे ये प्रूव नहीं होता कि जो रिलेशनशिप है उनके बीच में डोमिनेंट है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जिसमें आप डोमिनेंट रिलेशनशिप को जिसमें आप डोमिनेंट रिलेशनशिप को प्रूव प्रिज्यूम uh, कर सकते हैं सो so, वो एग्जाम्पल है पहला तो ये है एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की जो रिलेशनशिप है दूसरा है डॉक्टर और पेशेंट के बीच की जो रिलेशनशिप है देन रिलीजियस एडवाइजर और डिटी के बीच की जो रिलेशनशिप है पेरेंट और चाइल्ड के बीच की जो रिलेशनशिप है इन द सेंस के फादर या मदर अपने बच्चे पर एक डोमिनेंट होल्ड रखते हैं राइट लेकिन प्रेजेंट केस में प्रेजेंट केस में इनमें से कोई भी एक सिचुएशन नहीं है तो अगर सिर्फ आपने री नियर रिलेशनशिप अगर आपने साबित कर दी है उससे डोमिनेंट रिलेशनशिप प्रूव नहीं होती तो इस केस में आपको अलग से जो है अलग से प्रूव करना पड़ेगा कि ए जो एक इंसान है ए वो जो है बी के ऊपर एक डोमिनेटिंग विल रखता है और उसकी उसकी विल को डोमिनेट करने की कंडीशन uh, uh, में है सिचुएशन में सो इस केस में अगर ऐसा कुछ भी नहीं था तो कोर्ट uh, ने कहा कि नहीं इसमें तो पहली जो सिचुएशन है यानी कि डोमिनेंट रिलेशनशिप है बिटवीन द पार्टीज वही प्रूव नहीं हुई है तो इस केस के अंदर इट मींस देयर वाज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस और जो ये ट्रांसफर था इट वाज अ वैलिड ट्रांसफर सो दिस वाज योर सुभाष चंद्रा वर्सेस गंगा प्रसाद इसके अंदर हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनी सीखी पहला तो ये कि कुछ ऐसी रिलेशनशिप जिसमें आप डोमिनेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टीज प्रिज्यूम करके चल सकते हैं मान के चल सकते हैं फिर हमने दूसरा ये सीखा कि जहां पर आप डोमिनेंट रिलेशनशिप को प्रिज्यूम नहीं कर सकते वहां पर आपको अलग से प्रूव करना पड़ेगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के विल को डोमिनेट करने की सिचुएशन में थी जब आप डोमिनेंट रिलेशनशिप प्रूव कर दोगे उसके बाद आपको प्रूव करना है कि हाँ उस रिलेशनशिप का फायदा उठा करके एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को सही में डोमिनेट किया और उस ग्राउंड पे ही अंडर सेक्शन 16 रेडवेद सेक्शन कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करा सकते हैं सो दैट वाज इट फॉर टुडे सी यू टुमारो फॉर अ न्यू केस थैंक यू वेरी मच